Hi guys, welcome to Super Quick Revision. This is revision of costing of service sector. ये एक topic था जो आप लोगों ने IPCC के अंदर भी कर रखा है. लेकिन obviously the sums in IPCC और in CA Inter are very different as compared to the sums जो CA Final के अंदर आएंगे. Okay, so यहाँ पे we are trying to deal with every company जो service sector के अंदर है. Could be theatres, could be hospitals, could be companies that transport passengers, could be transporting companies that transport goods, logistics companies, jo courier companies hoti hain, hospitals, hotels, all these companies, jo airline companies hain, hum logon ne uske bhi kafi question kiye. Okay, so let's start with super quick revision of costing of service sector. IPCC ke na aap log usko operating costing shayad bol dete the. Now few rules of this particular chapter. हर इंडस्ट्री का बाई डिफॉल्ट एक यूनिट होता है. सो पॉपुलर इंडस्ट्रीज का जो पॉपुलर काइंड ऑफ अ यूनिट है वो तुमको मालूम होना चाहिए. सो इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है विच कैरीज गुड्स, वो कस्टमर्स को जब भी चार्ज करेगा, इट विल चार्ज देम बेस्ड अपॉन द वेट, इट विल ऑल्सो चार्ज देम बेस्ड अपॉन कितना डिस्टेंस गुड्स कैरी करवाना है. ओके, सो देयरफॉर वहाँ पे टन किलोमीटर्स आ जाएगा. अगर यूएसए होगा तो टन माइल्स आ जाएगा. ओके, आगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कैरीज गुड्स हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कैरीज अ पैसेंजर्स. वेन एवर अ कंडक्टर विल बी चार्जिंग द टिकट टू द पैसेंजर, इट विल बी पर पैसेंजर एंड ऑब्वियसली इट विल बी ऑल्सो बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ किलोमीटर्स जो बंदा ट्रैवल करेगा. सो देयरफॉर फंड ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स. उसके बाद होटल्स, होटल्स का फंडा इन दिस पर्टिकुलर केस, होटल्स के अंदर यू विल बी चार्ज पर रूम पर डे, तो यहाँ पे फंडा आ जाएगा रूम डेज का. थिएटर्स के अंदर यू विल बी चार्ज पर पर्सन पर शो, तो मैन शो. हॉस्पिटल्स के अंदर यू विल बी चार्ज पर पेशेंट पर डे, सो देयरफॉर कंसेप्ट ऑफ पेशेंट डेज. आईसीए उसके लिए वर्ड यूज कर देता है बेड नाइट्स, मेरे को थोड़ा सा वो अजीब लगता है इसलिए मैं वो यूज नहीं करता. एयरलाइन के अंदर पर पैसेंजर और पैसेंजर माइल्स, ये एक नया फंडा आ रहा है पैसेंजर माइल्स, लाइक यू नो जहाँ पे कंपनीज ट्राई टू कंप्यूट कि हर पैसेंजर माइल के लिए हाउ मच दे आर अर्निंग. ये बेसिकली उनकी ओन इंटरनल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है. वो आपको इस चैप्टर के लिए शायद काम में नहीं आए, लेकिन जहाँ पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का बेस होगा, एग्जाम्पल के तौर पर यू आर ट्राइंग टू कंपेयर से स्पाइस जेट विद इंडिगो, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस दिस कुड बी वन ऑफ द केपीआईज दैट विल बी यूज्ड, कि प्रॉफिट पर पैसेंजर माइल कितना है या फिर जो रेवेन्यू पर पैसेंजर माइल है वो कितना है एसेट्रा. उसके बाद अगर कैंटीन होगा तो पर कस्टमर और समथिंग लाइक दैट. ओके, एक एग्जाम्पल जो मैं दे सकता हूँ, जस्ट ट्राइंग टू गिव यू काइंड ऑफ वन एग्जाम्पल से ऑफ दिस. ओके, सेम फंडा अप्लाइज टू ऑल, हाउ टू कंप्यूट नंबर ऑफ टन किलोमीटर्स. तो सपोज ये सिटी ए है, बीच में बी आता है, यहाँ पर सी है, ठीक है. सपोज ये 100 किलोमीटर्स है, सपोज ये 200 किलोमीटर्स है, तो इन ऑल ए टू सी जो है वो 300 किलोमीटर्स है, ठीक है. तो ये हो गया डिस्टेंस का बात. उसके बाद समथिंग लाइक दिस, जस्ट अ सेक, या जो ट्रक है ए टू बी चला, 6 टन्स कैरी कर रहा था, ठीक है. उसके बाद स्टेशन बी तक पहुंचा, 1 टन ऑफलोड कर दिया, 2 टन और ले लिया, सो देयरफॉर 7 टन्स लेकर वो सी तक पहुंच गया. ये सारा का सारा गुड्स सी पर उतार दिया. फिर उसके बाद इट विल ऑल्सो गेट सम कस्टमर्स टू बी टेकिंग द गुड्स फ्रॉम सी टू बी एन ए. तो सी टू बी आ रहा था 10 टन्स का वेट लेके, ये सारा का सारा ऑर्डर स्टेशन बी के लिए था, सब खाली कर दिया और उसके बाद खाली आया फ्रॉम बी टू ए. अगर आपको कोई ऐसा बोलेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ टन किलोमीटर्स फॉर दिस राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप मतलब जाना आना, इन दैट पर्टिकुलर केस सिंपल है, 100 किलोमीटर्स इंटू 6 टन्स, 200 किलोमीटर्स इंटू 7 टन्स, 200 किलोमीटर्स इंटू 10 टन्स एंड लास्टली 100 किलोमीटर्स इंटू 0 टन्स. सो 600 प्लस 1400 प्लस 2000 प्लस 0, सो नंबर ऑफ 10 किलोमीटर्स 4000 हो जाएगा. दैट्स इट, बस. ओके, नाउ ये हो गया तुम्हारा ये वाला काम, ठीक है, ये इजी चीज है. अच्छा, फ्यू थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, कभी भी अगर तुमको ऐसा दिया जाएगा ना, अ बस डज अ रूट ऑफ 10 किलोमीटर्स, तो याद रखना उसका बाई डिफॉल्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना विल बी 10 किलोमीटर्स. ओके, बस
ये वाला चीज याद रखना, एक जगह से दूसरी जगह जाना विल बी 10 किलोमीटर्स. कुछ और मत सोचना. सम पीपल ट्राई टू थिंक लाइक दिस कि ऐसा एक गोला रूट होएगा, ओके, जो सारा का सारा 10 किलोमीटर. ऐसा कुछ नहीं होएगा अनलेस एंड अंटिल सम सेज व्हेनेवर दे से अ बस ट्रैवल्स रूट कवरिंग 10 किलोमीटर्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना विल बी नथिंग बट 10 किलोमीटर्स. ठीक है, एक और चीज. नाउ कभी भी अगर सामने ऐसा बोला दैट बस हैज अ कैपेसिटी ऑफ 40 पैसेंजर्स या फिर बस हैज अ कैपेसिटी ऑफ 40 सीट्स, तो याद रखना 40 सीट्स के अंदर कंडक्टर और ड्राइवर का सीट इंक्लूडेड नहीं होएगा. सो व्हेनेवर दे से बस हैज 40 सीट्स, सामने आगे कुछ बोला तो अलग बात है, वरना बाय डिफॉल्ट 40 सीट्स विल मीन 40 सीट्स फॉर पैसेंजर्स. ठीक है, अपना वियर्ड इमेजिनेशन मत यूज करना. ठीक है, आगे. बेसिक कैलकुलेशंस माइट इंक्लूड कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट और चार्जेस पर यूनिट ऑफ सर्विस. उसका मतलब क्या है, आपको बेसिक क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वो एट फाइनल सी लेवल थोड़ा सा वो रेयर ओकेजन है, ओके, बट जस्ट लाइक दैट ओनली. सपोज आपको होटल सेक्टर के लिए बोला है, व्हाट वुड बी द चार्जेस, तो आप क्या करो, सारे के सारे कॉस्ट जो हैं आप एस्टिमेट करना स्टार्ट कर दो फॉर द होटल. शुरू में एक चीज़ केयरफुल रहना, डिसाइड अ पीरियड, माइट बी 1 मंथ, 1 ईयर, लेकिन डिसाइड करो, ओके, वट एवर यू वुड लाइक टू हैव, से 1 ईयर, ओके. तो सारा का सारा कॉस्ट एक साल के लिए इकट्ठा करो, चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे फिक्स कॉस्ट हो, इट हार्डली मैटर्स, कॉस्ट के अंदर तो आना चाहिए. सब कुछ कर लिया, फिर देखो सम को या होटल को कितने का प्रॉफिट मार्जिन चाहिए. एक बार ये वाला काम कर लेगा, दिस विल स्टार्ट टू गिव यू रेवेन्यू, ओके. एक बार रेवेन्यू आ जाएगा, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय, सुनो, दिस रेवेन्यू हैज टू बी चार्ज टू द यूजर. यूजर मतलब जो कस्टमर्स होंगे. तो सपोज अगर एक ही टाइप ऑफ रूम्स हैं, ओके, देन प्लीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ रूम डेज, ओके, इन दिस एंटायर ईयर. अगर ये एक साल का डेटा है तो ये भी एक साल का होगा. बस दिस विल स्टार्ट टू गिव यू चार्जेस पर रूम डे, ओके. अगर उन लोगों ने बोला कॉस्ट पर रूम डे निकाल दो, तो फिर ये कॉस्ट को डायरेक्टली नंबर ऑफ रूम डे से डिवाइड कर देना, तो तुम लोग को कॉस्ट पर रूम डे मिल जाएगा. नाउ यूजुअली क्या हो सकता है, सम के अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ रूम्स हो सकते हैं और क्या, ओके. तो फिर आप एक काम जरा कर लो, ये जो रेवेन्यू आया ना, उसके बाद ये वाला कैलकुलेशन मत करो, उसके बाद अलग से एक वर्किंग नोट में जाना. सपोज रूम नंबर ए है, रूम नंबर बी है, ठीक है, फिर आप क्या करो कुछ ऐसा, टोटल रेवेन्यू इतना रिकवर करना है, कैसे रिकवर करना है, फ्रॉम द रूम्स, एंड फ्रॉम द रूम्स बेस्ड अपॉन पर रूम पर डे. तो फिर आप एक सिंपल काम करना, ए का नंबर ऑफ रूम डेज अलग से निकाल लो, बी का नंबर ऑफ रूम डेज अलग से निकाल लो. सामने ऐसा बोला है कि रूम नंबर ए अगर भाड़े पे देगा किसी को तो एक्स चार्ज करेगा, अगर बी देगा तो डबल चार्ज करेगा, सो 2x. सो देयरफॉर नंबर ऑफ रूम डेज ऑफ ए इनटू रुपीज एक्स पर रूम पर डे, दिस विल गिव यू नंबर ऑफ रूम डेज फॉर ए प्लस नंबर ऑफ रूम डेज फॉर बी, दिस विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ room days into the charges, this will be the revenue and this revenue will be equated for this. Solve karke x ka answer le aana, 2x ka answer le aana, theek hai. To agar 5 type of room hai, ye wala calculation jo hai aap logo ko 5 baar karna padega aur kuch nahi, theek hai. To aapko basic calculations, they might ask you like, you know, fix the charges, to that time you can try to do these particular things as such, theek hai. So तो बेसिक कैलकुलेशंस माइट इंक्लूड कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट और चार्जेस पर यूनिट ऑफ सर्विस. अगर होटल्स है तो रूम डेज, थिएटर्स है तो मैन शोज, हॉस्पिटल है तो बेड डेज एक्सेट्रा. वो लोग आपको कभी कभी ब्रेक इवन पॉइंट भी पूछ सकते हैं. हम लोगों ने क्वेश्चन हॉस्पिटल सेक्टर का किया था जहाँ पे आपको ब्रेक इवन पॉइंट पूछ सकते हैं, और वहाँ पे स्लैब रेट्स के हिसाब से हम लोगों ने 5 ब्रेक इवन पॉइंट्स को निकाले थे. वो वाला क्वेश्चन बराबर से देख लेना, तभी अपना फंडा यूज कर लेना. ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर बेड डे, और कुछ नहीं है, ठीक है. मोस्टली क्वेश्चंस विल बी ऑन डिसीजन मेकिंग, हेंस फॉलो रेलेवेंट कॉस्टिंग. Follow your 3 assumptions of CVP analysis. ज़्यादातर questions के ना आपको पूछ सकते हैं कि ये करने का कि नहीं करने का, blah blah blah. ठीक है, तो 3 assumptions: selling price is constant, variable cost per unit is constant, and lastly fixed cost is constant. Follow your 3 assumptions. Now selling price is constant मतलब fees या charges will be constant. ठीक है,
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कॉन्स्टेंट, फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट. अच्छा, कमेंट्स के अंदर ये वाली चीज मेरे को लगता है, क्योंकि इन मॉड्यूल ऑल्सो देर आर अराउंड टू क्वेश्चन ऑफ हॉस्पिटल सेक्टर. सपोज कभी कभी कोई प्रपोजल अच्छा है फॉर अ हॉस्पिटल, ओके, तो उससे अपना प्रॉफिट बढ़ेगा. बट यू हैव टू ट्राई टू बैलेंस प्रॉफिट विद द अदर थिंग ऑल्सो, कि कोई चीज़ की वजह से अगर प्रॉफिट बढ़ता है दैट इज़ गुड पॉइंट, दैट इज़ अ फाइनेंशियल फैक्टर. बट देन देर आर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑल्सो. कुछ ऐसा मत करो ताकि हॉस्पिटल का जो रेप्यूटेशन है खराब हो जाए. डोंट डू एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर द पेशेंट्स, ओके. हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन किया था, हम लोग पेशेंट्स को 3 दिन तक हॉस्पिटल के अंदर वो रखते थे ताकि वो लोग ठीक हो जाए. हम लोगों ने एक प्रपोजल बनाया 2.5 डेज के अंदर उन लोग को भगा डालो, ओके. उसकी वजह से अपना प्रॉफिट बढ़ता है लेकिन अपना रेप्यूटेशन खराब होएगा, कोई ऊपर चला गया तो. सो ऑब्वियसली जस्ट बी केयरफुल ऑफ दोज पर्टिकुलर थिंग. दे माइट आस्क यू द कमेंट्स ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स, ओके. तो जो भी क्वेश्चन के ना हम लोगों ने कमेंट्स किए हैं, इन्श्योर दैट यू ऑल डू दैट इन अ प्रॉपर वे एज सच, ठीक है. और एक कमेंट जो मेरे को याद आता है, मैंने एयरलाइन कंपनी के लिए किया था, तुम लोग प्लेन्स खुद ब खुद चलाते थे और हम लोग कस्टमर्स ला ला के वी यूज टू बी डूइंग अ बिजनेस. अभी हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़े टाइम के लिए वी विल गिव आर प्लेन टू समबडी एल्स, उससे जो अपने को प्रॉफिट आता है वो ज़्यादा आता है. याद रखना ये टेम्प्रेरी चीज़ है, ठीक है. इसको हमेशा अपना बिजनेस नहीं बना लेने का. अगर उस चीज की वजह से योर करंट बिजनेस विल सफर, इन लॉन्ग रन इट विल बी अ वेरी बैड थिंग. सो इंश्योर दैट ड्यू टू स्मॉल प्रॉफिट्स लाइक दिस डोंट डिस्ट्रॉय योर बिजनेस इन अ लॉन्ग रन, ओके. सो जस्ट बी केयरफुल ऑफ द कमेंट्स दैट वी ऑल हैव डन एज सच, ओके. वरना ये इजी चैप्टर है, देयर इज नथिंग मच इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ओके. सो तुम लोग अगर लास्ट डे पे सारे क्वेश्चंस भी देखोगे तो भी 1.5 आवर के अंदर मेरे ख्याल से सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व भी हो जाएंगे. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.